Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज से एक वीडियो लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहती हैं. स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा बिकॉज दिस इज द प्रूवन वे बाय विच मीन्स यू कैन लर्न इंग्लिश. फ्रेंड्स, अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी. इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाती है. और जो इसमें से मैंने एक क्वेश्चन आंसर बना रखा है जो कि डायरेक्ट आपके मेन्स आंसर राइटिंग में काम आएगा, तो उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. स्टार्ट करते हैं. बाकी आप अगर एज ए हेल्थ एडवाइस भी इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हेल्थ पर्सपेक्टिव. हेल्थ एडवाइस टू टेक विद नो पिंच ऑफ साल्ट. तो हेल्थ एडवाइस है, ये स्वास्थ्य की एक सलाह है. टेक लेना विद नो पिंच ऑफ साल्ट. पिंच ऑफ साल्ट मतलब, पिंच ऑफ साल्ट क्या होता है, मतलब चुटकी भर नमक. यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है. समझते हैं, जानते हैं क्या दिया हुआ है. देखो, आर्टिकल एम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि इस पे इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन को कैसे एड्रेस किया जाता है, क्योंकि ये एज ए सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू है. पब्लिक मतलब आम जनता का. एज इट इज लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर अर्ली डेथ्स ग्लोबली. तो ये लीडिंग मतलब आगे चलने वाला, लीड कर रहा है, रिस्क फैक्टर है, जोखिम भरा एक कारण है अर्ली डेथ का, जल्दी डेथ होने का ग्लोबली विश्व स्तर पर. हाई ब्लड प्रेशर इज एस्टिमेटेड टू कोज 10.8 मिलियन प्रिवेंटेबल डेथ्स. हाई बीपी होता है तो वो एस्टिमेट करता है कि कोज कारण बनता है 10.8 मिलियन, मतलब 1,10,000, और ये लगभग 100,000 के आसपास. तो ये कह रहे हैं कि इतने आदमियों की प्रिवेंटेबल, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है डेथ एवरी ईयर, हर साल, मतलब 10.8 मिलियन. कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 2 मिलियन कार्डियोवास्कुलर डिजीज. तो 2 मिलियन क्या है, कार्डियोवास्कुलर, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, डेथ्स जिससे डेथ होती है एनुअली ड्यू टू एक्सेस डाइटरी साल्ट इनटेक. एक्सेस डाइट में साल्ट लिया जाता है तो इससे 2 मिलियन आदमियों की डेथ हो जाती है एक्सेस साल्ट लेने से, 20,00,000 आदमियों की. इन इंडिया 311 मिलियन पीपल, 311 मिलियन, और 1 in every 3 अडल्ट. 3 आदमियों में जो अडल्ट हैं, वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हैं, 3 आदमियों में से 1 आदमी की डेथ हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से. हैव हाइपरटेंशन मतलब उनको हाइपरटेंशन है, मतलब मरते नहीं हैं बट हाइपरटेंशन है 3 में से 1 अडल्ट को. इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव. तो इनिशिएटिव क्या होता है, पहल, स्टार्टिंग. इज एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल प्रोग्राम दैट यूजेज सिंपल एंड स्केलेबल स्ट्रेटजी. सिंपल स्ट्रेटजी यूज की गई है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इंप्लीमेंटेड थ्रू द प्राइमरी हेल्थ केयर. लागू किया गया है PHC, जो प्राइमरी हेल्थ केयर गाँव में बनते हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा जो देती है वहाँ पे, टू एड्रेस द हाइपरटेंशन. इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव हैज़ बीन एक्सपेंडेड. एक्सपेंडेड होता है बढ़ाना, फैलाना, टू 140+ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. 140+ डिस्ट्रिक्ट में 2023 में बनाया गया. तो इनिशिएटिव फॉर द हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव फॉलो 5 सिंपल एंड स्केलेबल स्ट्रेटजी. 5 स्ट्रेटजी हैं सिंपल और स्केलेबल, जिनको स्केलेबल मतलब होता है स्केल पे, जिसकी वजह से स्केल होता है मेजरमेंट का आपका फूटा, तो उसको स्केल किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है. इंप्लीमेंटेड या अचीव किया जा सकता है, इंप्लीमेंटेड थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर विच हैव रिजल्टेड इन 2 मेजर प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज. जिससे क्या रिजल्ट हुआ है, 2 मेजर रूप से मोटे तौर से प्रोग्रामेटिक लर्निंग्स का फैक्टर बना है. जानते हैं द डेवलपमेंट ऑफ सिंपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स. डेवलपमेंट किसी चीज़ का उदय करना, विकास करना, सिंपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. सिंपल जो प्रोटोकॉल कहते हैं रूल, सिंपल ट्रीटमेंट इलाज के जो रूल हैं, विद फीवर ड्रग्स, कम दवाइयाँ, इंश्योरिंग रिलायबल ड्रग सप्लाई. रिलायबल मतलब खत्म ना हो ड्रग, बीच में मिलती रहे. लिंकिंग पेशेंट्स टू फैसिलिटेट इज क्लोजर होम फॉर फॉलोअप. फॉलोअप होता है कि भाई किसी एक बार दवाई दे दी, पीछे उसको फॉलोअप करना, चेक करते रहना है, ट्रेस करते रहना है. लिंकिंग पेशेंट्स को जो फैसिलिटीज जो है उनको जो चेक करते रहो होम से ही. एंगेजिंग टीम्स, टीम को एंगेज करो. इंक्रीज एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस. तो क्या कह रहे हैं कि भाई डेवलप करो ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, वे फॉरवर्ड क्या है, ऐसा प्रोटोकॉल रूल बनाओ, कम ड्रग हो, रिलायबल ड्रग सप्लाई हो,
लिंकिंग पेशेंट्स टू फैसिलिटी को उनको फॉलोअप करो, एक बार दवाई देने के बाद फॉलोअप करना है। इंगेज टीम इंक्रीज एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट फैसिलिटीज बाय ब्रिंगिंग पीपल टू हेल्थ सर्विसेज, आदमी को हेल्थ सर्विस पे लेके आओ। सिंप्लीफाइड प्रोग्राम मॉनिटरिंग मास मेक्स प्रोग्राम परफॉर्मेंस असेसमेंट बोथ क्वांटिफाइबल एक्सेनेबल। सिंप्लीफाइड, जो सिंपली कर रखा प्रोग्राम, ऐसा कोई यंत्र मॉनिटरिंग करने के लिए, जांच मतलब निगरानी रखने के लिए, मेक्स प्रोग्राम परफॉर्मेंस असेसमेंट बहुत क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाइबल मतलब अच्छी मात्रा में होंगे, एक्सेनेबल भी, इसका काम किया जा सकता है। तो जो इंडिया का हेल्थ जो इनिशिएटिव था, हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, वॉन द 2022 यूएन इंट्रा एजेंसी टास्क फोर्स। तो 2022 में यूनाइटेड नेशन की इंट्रा एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड मिला है इनको। आर्टिकल हाईलाइट करता है नीड फॉर ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। तो लॉन्ग टर्म से हाइपरटेंशन रहेगी तो इसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। डेंजर ऑफ एक्सेस डाइटरी साल्ट इनटेक, ज्यादा नमक खाने से। इट आल्सो प्रोवाइड डाटा ऑन द इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट हैज टारगेटेड ऑफ पुटिंग 75 मिलियन पीपल विद हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल बाई 2025। मतलब ये इंडिया का टारगेट है कि 75 मिलियन आदमी, 311 मिलियन में हाइपरटेंशन है, उसमें से 75 मिलियन कम करना चाहते हैं 2025 तक कम हो आदमियों में। इंडियन एडल्ट्स कंज्यूम ऑन एवरेज 11 ग्राम, 8 से 11 ग्राम साल्ट लेते हैं पर डे, विच इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस है, दो गुना है, मतलब 4 ग्राम ही खाना चाहिए। WHO रिकमेंडेड डेली साल्ट इंटेक, हाई साल्ट इंटेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटेड 1,75,000 डेथ्स इन इंडिया। तो एक साल में 1,75,000 डेथ हो जाती है इंडिया में हाई साल्ट इंटेक की वजह से। ईयर नहीं है बट इतना है कि 1,75,000। आर्टिकल सजेस्ट सेवरल वेज टू टैकल हाइपरटेंशन, कैसे कि क्या रास्ते हैं। रेज अवेयरनेस अबाउट द रिस्क ऑफ द लॉन्ग टर्म एडवर्स इंपैक्ट ऑफ अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। हाई बीपी कैन इफेक्ट द एंटायर वेस्कुलर सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हार्ट, किडनी, ब्रेन एंड आई। स्केल अप एविडेंस बेस्ड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, स्केल अप करो, अप लेके जाओ एविडेंस बेस्ड, जिसपे गवाह हो, सबूत हो, बेस्ड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन सच एज द IHCI जो प्रोग्राम किया है, इंडिया हेल्थ हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, स्ट्रेटजी एंड लेसन्स फ्रॉम दिस सच एक्सपीरियंस। कुछ रणनीति बनाओ या सीखो इन चीज़ों से, ऐसे एक्सपीरियंस से। शुड बी यूज टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट कंट्रोल अदर लाइफ स्टाइल डिजीज सच एज डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है जिसमें एक्सेस यूरिन जाना पड़ता है, या क्रोनिक किडनी डिजीज बचने के लिए। फोकस ऑन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स सच एज फैमिली हिस्ट्री, ज़्यादा जोर देना चाहिए जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता रिस्क फैक्टर ऐसे जोखिम, सच एज फैमिली हिस्ट्री है एंड एज ऑफ 65 ईयर्स एंड प्री एग्जिस्टिंग कोमोर्बिडिटीज। कोमोर्बिडिटीज होता है जो पहले की साथ में बीमारी लगी रहती है, सच एज डायबिटीज है, किडनी डिजीज है 65 साल से ऊपर के आदमी को, ऑफ ऑल विच मेक ए पर्सन एट ए हायर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब ये कंडीशन होगी तो हाइपरटेंशन रिस्क पे रहेगा। इंडिया ऑलरेडी हैज ए हाई बर्डन ऑफ, इंडिया में पहले ही हाई बर्डन है ईच ऑफ दीज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। हाई बर्डन ऑफ हाइपरटेंशन ए फैमिली रिस्क फैक्टर फॉर फ्यूचर जनरेशन, हाई बर्डन ऑफ कोमॉर्बिडिटीज एंड रैपिडली राइजिंग एल्डरली पॉपुलेशन। तो कोमॉर्बिडिटीज भी आ रही, बीमारी आ रही है, पॉपुलेशन भी एल्डर हो रही है और रिस्क फैक्टर है ये। फोर्थ पॉइंट है कि इंटेंसीफाई करो, ज़्यादा गहन करो अफर्ट्स को, प्रयास को टू रिड्यूस डाइटरी साल्ट कंजप्शन यूजिंग स्टडीज सच एज सेक द साल्ट हबीर। तो ऐसे इनिशिएटिव है सेक द साल्ट हबीर अंडर WHO हार्ट स्ट्रेटजी अंडर साइक। देर आर 5 अप्रोचेज ऑफ द सर्विलेंस टू मेजर एंड मॉनिटर साल्ट यूज। हार्नेस इंडस्ट्री टू प्रमोट रिफॉर्मुलेट फूड्स एंड मील्स, जो रिफॉर्मुलेट मील्स है जिनमें साल्ट यूज होता है, दैट कंटेन लेस साल्ट, ऐसे साल्ट बनाओ, सब खाना बनाओ जिसमें कम साल्ट लगाओ प्रोसेस फूड में। अडोप्ट टू स्टैंडर्ड लेबलिंग, लेबलिंग डालो कि कितना साल्ट यूज हुआ, मार्केटिंग एंड नॉलेज, एजुकेट द कम्युनिटीज टू एम्पावर इंडिविजुअल टू ईट लेस साल्ट, इन्वायरमेंट स्पोर्ट सेटिंग्स दैट प्रमोट हेल्थी ईटिंग, प्रमोट मल्टी सेक्टोरल एक्शन। 2017 में इंडिया ने डेवलप किया था नॉन कम्युनिकेट एंड अप्रूव्ड ए मल्टी सेक्टोरल प्लान प्रिवेंटेबल एंड कंट्रोल करना NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। दिस प्लान, जो ये प्लान बनाए गए हैं, मस्ट बी रिविजिट, दोबारा से विजिट करना चाहिए जो प्लान हमने पहले से बना रखे हैं। मोर कंक्रीट, कंक्रीट होता पक्के, पूरे अश्योर एक्शन डन बाय द की सेक्टर्स। इंक्रेज करना है इन्फॉर्म सिटीजन बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द साल्ट इन फूड, प्रमोटिंग बेटर लेबलिंग ऑफ आइटम्स पैकेट्स इन टर्म्स ऑफ लो मीडियम एंड हाई साल्ट कंटेंट। सेंसिटाइज करना है पीपल टू रीड फूड पैकेज लेबल्स एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। इन्फोर्स करो स्ट्रॉन्ग
फूड रेगुलेशन इंडिया विद हायर टैक्सेशन ऑफ हाई साल्ट एंड ऑल्सो हाई शुगर एंड हाई फैट फूड एंड अदर पैकेज प्रोडक्ट. आर्टिकल ऑल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक्स एज ए वे टू टैकल हाइपर टेंशन. एक्सेस टू बी पी अपरेटस. अपरेटस जो होते हैं साधन इंस्ट्रूमेंट नीड्स टू बी इंक्रीज फॉर द पब्लिक प्लेसेस सच एज मॉल्स में शॉप्स में एंड फार्मेसीज में वेयर पीपल कैन हैव देयर बी पी मेजर्ड आइदर फ्री और एट नॉमिनल अफोर्डेबल चार्जेस. एवरी ऑफिस वर्क प्लेस नीड्स टू हैव ए फंक्शनल बी पी अपरेटस एंड एम्प्लॉयज शुड बी इंक्रेज टू चेक देयर बी पी रेगुलरली. एवरी सिंगल विजिट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी यूज टू मेजर वन बी पी. फिजिशियन शुड एडवाइज सेंसिटाइज पीपल टू मेजर एंड मोनिटर देयर बी पी. बी पी चेक करते रहना चाहिए ताकि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो. तो इसमें आर्टिकल में पूरा यही लिखा गया है. देखो इसमें पहले यहाँ पे देखो वही 2023 में ये बता रहे हैं कि WHO ने बताया कि ग्लोबल रिपोर्ट हाइपरटेंशन पे आई है. तो इन्होंने बता दिया कि प्रिवेंटेबल डिजीज है 10 मिलियन, उनको रोका जा सकता है. ऐसे ऐसे डाटा दिया हुआ है इसमें. और मतलब डायबिटीज जैसे इंडिया में 311 आदमी, मतलब हर तीसरे आदमी को ये, तीन में से एक आदमी को ये है बीमारी और हाइपरटेंशन की. तो सेम 175,000 डेथ हो गई इंडिया में, ऐसे बताया गया है. आगे बताया गया है कि जैसे UN की टास्क फोर्स है 2022 की, इंटर एजेंसी जो टास्क फोर्स है वो कंट्रोल करने की सोचती है, या इनिशिएटिव इंडिया का भी है, हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है. सेम ऐसे ही डाइटरी फूड पैकेजेस हैं, उन पे भी हमें ध्यान देखना है. रेगुलर बीपी चेक करते रहना है, मॉल वगैरह में रखा के रखो तो सॉल्यूशन हो सकते हैं. रेगुलर बीपी चेक करना है, खाने पे लेबलिंग होनी है, ऐसा स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है ताकि ऐसे हार्ट स्ट्रेटजी WHO की है या सेक साल्ट हैबिट को रोकना है. सेम ऐसे ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं और लंबे टाइम के लिए याद रख सकते हैं और इसको अपने मेन आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो. थैंक यू वेरी मच. बाय.